हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ITF के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि NCERT में 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है और पार्ट वन में है। ये 12 का सबसे मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों सर? क्योंकि इससे मार्क्स ज़्यादा आता है? नहीं, ये जो चैप्टर है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो पूरे मैथ में है, खासकर वो दो टॉपिक, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस दो टॉपिक में, ये दो चैप्टर में इनवर्स का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इनवर्स को हम लोग को और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनवर्स अपने आप में एक चैप्टर तो है ही, लेकिन आने वाले दो बड़े चैप्टर में इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाला है। अगर आप ITF को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उस समय हमेशा आपको परेशान करेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे हम पहले दो लेक्चर बना चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, उसको आप लोग ज़रूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद आप अगर 11 में ट्रिगो अच्छे से समझने में या थोड़ा भूल गए हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो हम बनाए हैं। पहले आपको पार्ट वन देखना है, फिर आपको पार्ट टू देखना है ITF का, फिर आपको स्टोरी ऑफ साइन कॉस और टेन का एक वीडियो बनाए हैं वो देखना है, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको देखना है, इससे अच्छे से आपको ITF समझ में आ जाएगा। जितने भी तीन लेक्चर बोले सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ITF का पार्ट थ्री। हम पार्ट थ्री बोल रहे हैं लेकिन पार्ट वन पार्ट टू बना चुके हैं, और एक और आप लोग को देखना है पार्ट वन और पार्ट टू के बाद, उसका नाम है स्टोरी ऑफ साइन कॉस और टेन, उसके बाद देखना है। मतलब देखा जाए तो ये चौथा बिट क्यों है, लेकिन ITF के नाम पे हम दो बनाए हैं और तीसरा जो है वो आपका नॉर्मल ट्रिगो पे है, 11 पे बेस्ड है। चलिए, पिछले दो लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि आपके ITF में 6 बंदर होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। प्रॉब्लम का नाम नेगेटिव था और सबसे पहले प्रॉब्लम को हटाना है। दो ग्रुप में हम लोग बांटे थे, पार्ट वन में रखे थे साइन को टेन को और कॉसेक को, माइनस डायरेक्ट बाहर आता है क्योंकि वो ऑड फंक्शन था, और दूसरे ग्रुप में हम लोग रखे थे कॉस को सेक को और कॉट को। इसमें अगर माइनस आता है तो राज की बात हुआ करती थी, पाई जुटेगा तब माइनस बाहर आएगा। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई, भाई आप उसका फॉर्मूला देखे थे, ये लेक्चर टू में होगा, शायद टू में ही है, और उसमें बताए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें अगर माइनस आएगा तो राज टू लगेगा और आपका पाई बाहर फिर माइनस आ गया। फिर आगे हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर पहला। ये प्रॉपर्टी है आउटसाइड नॉर्मल और इनसाइड इन्वर्स। सर, आउटसाइड नॉर्मल और इनसाइड इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इसमें आपको खुशी मनाने का मौका, ईजी होता है ये, इसका प्रॉब्लम जो है आपको आसान होगा, आप हंस सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका साइन और साइन इन्वर्स, बाहर में आपका नॉर्मल है और अंदर में आपका इन्वर्स है, आउटसाइड नॉर्मल इनसाइड इन्वर्स। अगर दोनों सेम है तो आंसर होगा आपका ये डब्बा, ये जो डब्बा है वही आंसर हो जाएगा, ये साइन और साइन इन्वर्स घूमने चला जाएगा, घर जाएगा, और आंसर ये डब्बा, जो डब्बा में होगा वही आंसर होगा। अब हमको ये बताइए, ये जो फंक्शन है इसका मालिक कौन है? तो इसका मालिक हुआ आपका नॉर्मल ट्रिगो। क्यों सर? क्योंकि पहले तो नॉर्मल ट्रिगो है ना, पहले यहाँ पे कौन है? साइन है, तो इसका मालिक कौन हुआ? नॉर्मल ट्रिगो। सर, मालिक का मतलब क्या हुआ?
वो जो फंक्शन को हैंडल करे। तो हैंडल कौन कर रहा है? नॉर्मल ट्री। और हम लोग को पता है कि साइन की जो कैपेसिटी होती है देने की, आउटपुट देने की, फंक्शन में इनपुट होता है जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और एक्स बोलते हैं, उसको देंगे फंक्शन को कुछ खाने के लिए देंगे, मतलब डोमेन देंगे तो वो हमको आउटपुट देगा जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो साइन की जो कैपेसिटी है, साइन को खाने के लिए एंगल मिलता है 60, 30, 90, वो देता क्या है? तो साइन देता है -1 से 1 तक, यानी उससे ज़्यादा आप साइन से उम्मीद नहीं कर सकते। अब बाइक क्या 2000 किलोमीटर पर घंटा से तो चल नहीं सकता, उसमें लिमिटेशन दिया हुआ है कि इससे अधिक आप नहीं चला सकते। तो साइन की जो कैपेसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। ध्यान रखना है कि डब्बा जो है, अगर कोई पूछे कि साइन इन्वर्स 1/2, आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में है। अब कोई ये अगर बोले कि साइन इन्वर्स 5, अरे सर 5 होगा आंसर, अरे नहीं हो सकता आंसर, सर आप ही तो बताए थे अंदर बाहर सेम होगा, तो आंसर वही हो जाता है। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई नहीं देता, और साइन की कैपेसिटी कितनी? -1। ये प्रॉपर्टी काम तभी करेगा, अंदर बाहर सेम होने से आंसर ये होता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि साइन की कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक है। तो साइन, नॉर्मल साइन की कैपेसिटी है -1 से 1। ये नॉर्मल साइन और इन्वर्स साइन का मतलब क्या हुआ सर? ये नॉर्मल साइन का मतलब ये हुआ, ये आपका नॉर्मल साइन है और ये आपका इन्वर्स वाला साइन है। तो नॉर्मल साइन की कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। प्रॉपर्टी ये क्या, 1 क्या बोलता है? आउटसाइड नॉर्मल, इनसाइड इन्वर्स, अंदर बाहर सेम सेम, तो आंसर डब्बा हो जाएगा। अच्छा, डब्बा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1 तक। बुक में आपका ये दिया हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, और साथ में ये कंडीशन दिया रहता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कंडीशन क्यों दिया रहता है, क्योंकि साइन की जो कैपेसिटी है वो -1 से 1 तक की है। जो भी आंसर होगा वो -1 से 1 तक ही रहना चाहिए, तो ही सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। इसमें बताइए सर, साइन इन्वर्स 2x है, डब्बा में क्या है? तो डब्बा में 2x है। तो ये डब्बा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 1 तक, लेकिन कंडीशन तो x में लिखना हो, तो -1 से 1 कौन हुआ? 2x। अब यहाँ पे हमको x लाना है, तो क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 से 1 तक। फिर कॉस इनवर्स डब्बा बराबर क्या? डब्बा अंदर बाहर सेम, आंसर हो जाएगा आपका वही डब्बा। तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। ध्यान रखना है कि जैसा साइन का है वैसा ही कॉस का होता है, जैसा साइन का वैसा ही कॉस का। टेन का क्या होता है? तो टेन इनवर्स डब्बा। अब डब्बा में कुछ भी रहे, मतलब -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी होगा तो चलेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 10, 20, 50, 100 जो रखना है रखिए आप, -∞ से ∞ नो कंडीशन। साइन का -1 से 1, कॉस का -1 से 1, टेन का कुछ भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक का, कॉसेक इन्वर्स, नॉर्मल बाहर इन्वर्स अंदर। तो कॉसेक बोला कि देखो भैया -∞ से -1, -∞ पे ओपन और -1 पे क्लोज। सर ये ओपन क्लोज का मतलब, -1 का मतलब होता है -1 को लेना है और -∞ को नहीं लेना है, क्योंकि अनंत का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। -1 से 1 के बीच में खाली है, कुछ नहीं होना से, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कॉसेक को क्या याद रखेंगे? -∞ से -1 रुक जाएंगे, फिर 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, जैसा कॉसेक का वैसा ही सेक का, जैसा कॉसेक का वैसा ही सेक का, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। कॉट का तो -∞ से +∞। अब देखिए, जो साइन का वो कॉस का, जो टेन का वो कॉट का, और जो कॉसेक का वो सेक का।
तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, अंदर बाहर सेम आंसर हो जाएगा डब्बा। अब यहाँ पे देखिए साइन है और यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स 4/3। तो सर आप तो बताए थे अंदर बाहर सेम, तो यहाँ तो है नहीं, हमेशा आपको बाहर की आवाज़ सुनना है। किसकी आवाज़ सुनना है, बाहर का। बाहर कौन बैठा हुआ है, साइन। तो ये चिल्लाया कि तुम क्या बन जाओ, साइन बनो। तो टेन इनवर्स 4/3 है आपका, इसको क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो सर साइन कैसे बनाए, तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं भाया PBH। तो P का वैल्यू हो गया 4 और B का वैल्यू हो गया 3। तो H का वैल्यू कितना हुआ सर, तो 5। तो साइन का साइन लिखे और इसको मिटा के, क्योंकि हम लोग मतलबी हैं, जैसा ज़रूरत होगा वैसा ही काम करेंगे। 10 को मिटा के क्या लिख दिए, साइन इनवर्स होता क्या है, P/H। तो P का वैल्यू 4 निकाले और H आपका 5। P का वैल्यू 4 दिया हुआ है, H 5 निकाले, ये दोनों सेम आंसर हो गया 4/5। और हमको लगता है ये 1 से छोटा ही है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो सही ही आता है। IIT लेवल में देखना रहता है, बोर्ड लेवल में ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे sec है और यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स। मन की चाहत क्या है, काश ऐसा होता सर कि अंदर बाहर सेम हो जाता। तो हमेशा क्या सुनना है आपको, बाहर की आवाज़, क्योंकि मन तो हमेशा बोलेगा नहीं पढ़ना है, लेकिन करना क्या है, बाहर की आवाज़ सुनना है। पिताजी जो बोले, घर के गार्जियन जो बोले, टीचर बोले, वो सुनना है आपको। तो sec है तो इसको क्या बनाना होगा, sec बनाना होगा। तो cos इनवर्स क्या होता है, B/H होता है। और sec बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी होगी, बस इसी को क्या कीजिए आप, पलटी मार दीजिए, यानी 13 ऊपर और 12 नीचे, क्योंकि H/B होता है। तो sec इनवर्स H/B, अंदर बाहर सेम आंसर हो गया 13/12। यहाँ पे देखिए 10 साइन इनवर्स 2/7, बाहर की आवाज़ सुनना है। तो 10 आपका B का वैल्यू हो गया 2, H का वैल्यू हो गया 7 और B का वैल्यू हो गया 49-2। हमको लगता है स्क्वायर रूट 45, यानी अंडर रूट 45। तो 10 इनवर्स क्या होता है, B/B, तो 2/√45, अंदर बाहर सेम से 2/√45। यहाँ पे आइए, cosec है, फिर वही काम सर, बाहर की आवाज़ सुन रही है। तो साइन को अगर cosec बनाना हो तो पलटी मार दो भैया, तो 5/4 क्या बनाना। अरे सर ये तो दिक्कत हो गया, हम बोलेंगे कि बाहर की आवाज़ सुनो, लेकिन सर एक लोचा है, प्रॉब्लम में है ये किस में है, अभी हम लोग बाहर की आवाज़ नहीं सुनेंगे। पहला काम हम बताए थे प्रॉब्लम से मुक्ति, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर ये किस ग्रुप का है, तो 10 इनवर्स पहला ग्रुप का है। तो पहला ग्रुप में कौन कौन होता है, साइन इनवर्स, 10 इनवर्स और cosec इनवर्स। और पहले ग्रुप में अगर माइनस आए तो ये माइनस उछल के आगे आ जाता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, प्रॉब्लम से मुक्ति। अब साइन को जैसे ही माइनस का गंध लगा, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और इनवर्स हमेशा एंगल देता है। तो मान के चलिए इनवर्स जब एंगल दिया तो ये तो थीटा मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा के जगह पे क्या, 10 इनवर्स 4/3। यहाँ तक हम लोग काम क्या किए, प्रॉब्लम से मुक्ति, यानी माइनस भैया को बाहर कर दिया। अब क्या करना है सर, बाहर की आवाज़ सुनो। तो बाहर में कौन है, साइन, तो इसको बोले कि तुम क्या बन जाओ, साइन बनो। तो P/B, तो H क्या हो जाएगा आपका, H का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये माइनस का माइनस, ये माइनस का
माइनस हो गया आपका जैसा का तैसा साइन का साइन, और इसको बदल दिए साइन इनवर्स पी बाय एच में, ये दोनों घर चला गया, आंसर क्या हो जाएगा माइनस फोर बाय फाइव, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फिर वही बात, फिर आ जाइए सर ये तो प्रॉब्लम में है और ये किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। तो हम बताए थे कि सेकेंड ग्रुप में अगर माइनस आता है तो राज की बात है, राज वन पाई जुटेगा और माइनस बाहर आएगा। सर आप तो बोले थे बाहर की आवाज़ सुनने के लिए, नहीं बाहर की आवाज़ सुनना है लेकिन अगर ये प्रॉब्लम में नहीं है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे बड़ा आईटीएफ का जो चाबी है इन्वर्स का चाबी वो हमेशा निगेटिव, ये प्लेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, या तो वो ग्रुप वन का होगा या तो वो ग्रुप टू का होगा। तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स फोर बाई फाइव, अच्छा तो अच्छा इन्वर्स हमेशा की देता क्या है एंगल, तो ये हो गया आपका एंगल। तो आप ये बताइए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन को थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव को, तो कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बाहर की आवाज़ सुनेंगे, तो इस कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव को हमको साइन में बदलना है। तो b का वैल्यू सर 4 है और h का वैल्यू 5 है तो p का वैल्यू 3 होगा भाया PPH। देखिए ITF में एक ITF को दूसरे ITF में अगर बदलना हो, एक ITF से अगर दूसरे ITF में बदलना हो तो भाया PPH। तो ये साइन का साइन, साइन इनवर्स p बाय h तो 3 बाय फाइव, आंसर 3 बाय फाइव। यहाँ पे आ जाइए 10 cos इनवर्स माइनस 12 बाई 30, तो सर ये प्रॉब्लम में है, ये किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का, पाई माइनस कॉस इनवर्स 12 बाई 30, प्रॉब्लम से मुक्ति। अब इन्वर्स हमेशा एंगल देता है, क्या देता है इन्वर्स एंगल देता है, तो 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा क्या है कॉस इनवर्स 12 बाई 30, तो 10 का 10 बी बाय एच, तो p निकाल लेते हैं, p आपका आएगा 5, कैसे आएगा सर देखिए p का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 169 में 144 को माइनस करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये माइनस का माइनस ये घर चला गया 5 बाई 12। ये आप सेल्फ कीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेल्फ बनाने के लिए, आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाया या नहीं बनाया। अब आते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे, इसमें क्या है आउटसाइड इन्वर्स इनसाइड नॉर्मल, अब बात बदल गई है, पहले क्या था बाहर में नॉर्मल था और अंदर में इन्वर्स था, अब क्या है बाहर में इन्वर्स है और अंदर में नॉर्मल है, इसमें रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा मतलब दुखी हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जनरली IIT में JEE मेंस में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा आपको कष्ट देगा, मतलब हंसने का मौका नहीं देगा। देखिए रोने का भी चिन्ह हम बना दिए, अब आ जाइए यहाँ भी वही काम करता है अंदर बाहर सेम, तो ये आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और नॉर्मल, तो डब्बा हो गया आंसर। अच्छा ये बताइए इस फंक्शन का मालिक कौन है, तो सर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की जो कैपेसिटी है हम लोग जानते हैं माइनस 90 से 90 है, इसकी औकात जो है, औकात का मतलब इसीलिए हम यूज किए कि किसकी क्या है, मतलब कोई मैक्सिमम क्या दे सकता है। बाइक का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, जीरो से लेकर लगभग 280-300 तक रहता है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये किसकी औकात है साइन इनवर्स की, यानी ये जो आंसर आना चाहिए वो माइनस 90 से 90 ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आएगा तो आंसर को गलत माना जाएगा, कम आएगा तो भी गलत माना जाएगा।
साइन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, टू एक्स बना लिया। अब टेन इनवर्स टेन डब्बा, तो इसमें बस अंतर यही है कि वहाँ पे माइनस पाई बाई टू को लेना है और इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़ देना है। अच्छा, कॉसेक में क्या करना है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को लेना है लेकिन जीरो को हटा देना है। तो तीनों लगभग सिमिलर ही हैं, जो टेन इनवर्स का अंतर थोड़ा सा है, जो साइन इनवर्स का है वही टेन इनवर्स का है और वही आपका कॉसेक इनवर्स का है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। फिर कॉस में भी वही बात है, अंतर बाहर सेम है लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक, तभी आंसर सही माना जाएगा, नहीं तो भैया गलत माना जाएगा। सेक में भी जीरो से पाई तक लेकिन पाई बाई टू को नहीं लेना है, और कॉट में भी जीरो से पाई तक लेकिन जीरो और पाई को नहीं लेना है। हाँ, उसके बाद अब क्या रखिएगा, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस थीटा तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात है इसमें। ये आप इसको इजी वे में मत लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये, अभी हम बताएंगे कितना काम का है। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, अरे सर ये तो नाइन टेंथ से ही पढ़ते आ रहा है। सेक कॉसेक में कॉसेक, अब क्या होगा, मान के चलिए यही प्रॉब्लम आ गया, साइन इनवर्स कॉसेक, वहाँ क्या करते थे कि भाया पी बी एस से अंदर वाले को बदल लेते थे, यहाँ पे ये नॉर्मल, ये इन्वर्स नहीं है कि यहाँ भाया पी बी एस लगा दीजिएगा, ये तो नॉर्मल ट्रिको है। हम बताए थे इन्वर्स को आप बदल सकते हैं दूसरे इन्वर्स में भाया पी बी एच, लेकिन नॉर्मल को नहीं, तो बाहर वाला चिल्ला रहा है तुम क्या बनो, साइन बनो। तो ये अब इंतजार में, तो साइन इन्वर्स लिख दिए, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, बताए थे ना कॉस एक्स को लिख सकते हैं, क्यों लिखे सर आप, क्योंकि बाहर वाला चिल्ला रहा था कि तुम साइन बनो, तो अंदर बाहर सेम आंसर क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ध्यान रखिएगा कि कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो बहुत स्टूडेंट यहाँ भी भाया पी बी एस लगाते हैं, अरे भैया ये नॉर्मल ट्रिको है, इन्वर्स नहीं है, ये आपका सेल्फ है। कॉस है चिल्लाएगा साइन बनो, टेन है ये कॉट से, बहुत के मन में आता होगा बात कि मान लीजिए सर यहाँ साइन इन्वर्स दे देता और यहाँ टेन एक्स दे देता, तो ये नहीं बनता, क्योंकि इसको कहेंगे कि तुम साइन बनो, बोलेगा भैया हमसे बनने वाला नहीं है, तो ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब भी यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ दो ही हो सकता है, या तो कॉस रहेगा या तो साइन खुद रहेगा, क्योंकि कॉस को आप साइन में बदल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, सेल्फ है ये खुद से बना लीजिएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी तीसरी, साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। सर डब्बा क्यों लिखे आप, अरे डब्बा में कुछ भी भर दो आप, अगर यहाँ पे 1 बाई टू भरोगे तो यहाँ भी 1 बाई टू ही भरना होगा, डब्बा में माइनस वन से वन, क्योंकि साइन इनवर्स को खाने को चाहिए माइनस वन से वन तक ही, बुक में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब साइन इनवर्स को इस साइड रहने दिए और कॉस इनवर्स भैया को चले जाओ उधर, तो प्लस था तो माइनस हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना है इस जगह पे जो भी आएगा वो माइनस वन से वन तक ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक होगा, सेक कॉसेक पाई बाई टू। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा देखेंगे आगे। अब साइन इनवर्स को कॉस में बदलने का दो उपाय है, एक तो भाया पी बी एच, ये होता है खाने वाला सामान, साइन इनवर्स को खाने के लिए क्या मिला है, एक्स मिला, कॉस इनवर्स को खाने के लिए क्या मिला, ये मिला है, ये खाने का है। तो साइन इनवर्स को कॉस में बदलने का दो तरीका, एक तो भाया पी बी एच, इसे क्या है, ये जो लाइन है ये है आपका भाया पी बी एच, क्योंकि पी बराबर एक्स है, एच बराबर वन है और बी हम निकाल लिए, तो कॉस इनवर्स क्या होता है बी बाय एच, ये तरीका आप समझ गए सर, ये तरीका में क्या है आपका कि देखिए खाने को यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, खाने का सामान चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से बात करते समय, बात करने का मतलब क्या हुआ सर, बनाते समय, बनाने से पहले क्वेश्चन से बात करना होता है, तो वही आपको इंडिकेशन देगा कि कब आपको इसका यूज करना है और कब आपको इसका यूज करना है। अगर खाने का सामान चेंज नहीं करना है
तो इसका यूज करेंगे, खाने का सामान चेंज करना है तो इसका यूज करेंगे। कॉस को बदलने का साइन में दो उपाय, एक में खाने का बदलेगा, एक में नहीं बदलेगा। टेन को कॉट में बनाने का दो उपाय, एक तो भाया पीबीएच और दूसरा ये जिसमें खाने का चेंज नहीं होगा। कॉट इनवर्स को उसी तरह बदलने का दो उपाय, सेक का भी और कॉसेक का भी। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई टू, फाइंड ए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली पूछा जाएगा। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर हमको पता है कि 1/3 होगा। कैसे पता चला सर आपको, हम बताए थे ना साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। अगर यहाँ 1/3 है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, 1/3 ही बैठेगा, तो आप ऐसे बना दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। अब क्या होगा, ये साइन इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स डब्बा प्लस कॉस इनवर्स डब्बा इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/5।